यार इसमें ना अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को इकट्ठा देख तो लिया। पिक्चर नो डाउट भाई एक्शन के मामले में तो जबरदस्त है। अब कुछ चीजें हैं जिसपे बात करना जरूरी है, चलो उस पर बात करते हैं। हाय गाइस, मैं हूं कृष्ण और बड़े मियां छोटे मियां रिलीज हो चुकी है। इसके अंदर ना भाई स्टोरी लाइन जो है वो किसी किसी जगह पर जाके ना बैठ जा रही है, मतलब तुम्हें वो मजा सा नहीं आएगा। दूसरी चीज, कनेक्ट नहीं बैठेगा मूवी में। अगर तुम सोच रहे हो ना कि तुम बैठोगे तुम देखोगे तो तुम्हें एक्शन के अलावा कुछ और देखने को मिलेगा और तुम उससे बिल्कुल सेट होके बैठ जाओगे, कनेक्ट हो जाएगा कि भाई अभी नहीं उठ रहा या मेरा देखने मतलब और कहीं मेरा ध्यान नहीं जाएगा। भाई चला जाएगा, तुम्हारा ध्यान कहीं और भी जाएगा, साथ वाले पे भी जाएगा, आगे वाले पे भी जाएगा, पीछे वाले पे भी जाएगा, क्योंकि मूवी ऐसी है। इसके अंदर भाई जो एक्शन सीन्स है ना वो तो बहुत बढ़िया है, मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। और इतने बड़े बड़े एक्शन सीन्स है ना इसके अंदर कि तुम सोचोगे कि इन्होंने भाई वो बनाए कैसे, शूट कैसे करें, इतने बड़े सीन्स है मतलब। और इतने बढ़िया तरीके से उसकी सिनेमाटोग्राफी कर रखी है ना, तुम उसमें भी कमी नहीं निकाल सकते। VFX के मामले में, CGI के मामले में ऑन पॉइंट है, वैसे कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ आती है, करेक्टर्स के अंदर। करेक्टर भाई सोनाक्षी सिन्हा ले रखी है पूरी पिक्चर में। भाई मेरे को बता दो उसका काम क्या है, ना उसका कोई ढंग का रोल दे रखा उसे, ना ही उसके रोल से कुछ निकाल रखा। मतलब एक करेक्टर से तुम आउटपुट तो निकालते हो ना, कुछ तो इम्पैक्ट होता है ना उसका उस पिक्चर में कि भाई ये छोड़ना जरूरी है। इसी से जो है तुम उस करेक्टर का एक प्लॉट होता होगा कि जिसपे वो काम चलता है, भाई इसका नहीं है सोनाक्षी सिन्हा का कुछ। दो लड़कियां और है, एक बनी है IT की, वो थोड़ी सी तेज दिमाग वाली जो हैकिंग पैकिंग करती है, लॉक वॉक कोड तोड़ती है वो वाली, ठीक है। उसका काम क्या है भाई, वो पूरी पिक्चर में या तो बहुत ज्यादा बोलती भी दिखा रहे हैं, या फिर उसके अंदर ग्लैमर का क्वेश्चन ऐड कर रखा है उसने, या फिर उसके अलावा वो इधर से उधर जाके इनको गाइडेंस दे रही है कि भाई तुम्हें अब ये करना है, तुम्हें अब वो करना है, तुम ऐसे लॉक को खोलोगे, तुम्हें ये चीज करनी है, उसे मैनुअल ओवरराइड करना है, ऐसे करके। और जो तीसरी लड़की है ना भाई पूरी पिक्चर में, वो लड़की भाई एक्शन भी कर रही है इन दोनों के साथ। अब उसको ना तो वो लेवल दे रखा है कि वो बराबर में करे, ना उसको कुछ अलग से दे रखा है कि वो अलग से कुछ करके दिखा रही है, तो मान ले कि भाई इसने ये किया वो बहुत बढ़िया था। एक सीन है लड़की का जिसके अंदर वो एक्शन करती दिखती है, वो ढंग से एक्शन भी नहीं है, वो गाड़ी भगाती है भाई, वो गाड़ी वाला सीन है, ठीक है। उसके बाद जो मेन क्लाइमेक्स वाला सीन है उसके अंदर भाई ये दोनों कुत्ते की तरह लड़ाई कर रहे हैं, ये लड़की भी लड़ रही है, ये लड़की भाई राइट में गोली चलाती है, राइट में तो लगती है, लेफ्ट में भी भाई गोली लग रही है किसी को, पता नहीं कैसे। अब भाई पिक्चर की स्टार्टिंग में जंगल के रास्ते से ना साइड से इधर मतलब लगा लो लेफ्ट में जंगल है तो सीधे रास्ते से ट्रक वगैरह जा रहे हैं, पूरा उसके अंदर सेफ है, उसके अंदर एक सामान है, पैकेज है जो इंडिया का है, जो बिल्कुल सेफ तरीके से आर्मी तक पहुंचना चाहिए। वो पैकेज भाई जो विलन है ना वो गायब करा लेता है, वो जंगल से निकलता है, जंगल से ATV भी निकल रही है, जंगल से साला टैंक भी निकल रहा है, जंगल से गाड़ियां भी निकल रही हैं, उसी जंगल में से भाई हेलीकॉप्टर भी निकल रहा है। भाई जंगल ना हो गया साला डोरेमोन की पॉकेट हो गई, उसमें से गैजेट निकाल निकाल के छोड़ी जा रहे हैं। अब भाई वो सब कुछ करके उधर लोगों को मार पीट के खत्म कर देता है, हिसाब किताब, वो पैकेज ले जाता है। अब तुम्हें क्या बताऊं वो पैकेज क्या है। अब भाई पता है इस पिक्चर का नाम बड़े मियां छोटे मियां क्यों है? अगर तुमने पुरानी वाली बड़े मियां छोटे मियां देखी है ना, गोविंदा और अमिताभ बच्चन वाली, उसके अंदर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, वही सेम एलिमेंट इसके अंदर भी है। मैं वो एलिमेंट तुम्हें नहीं बताऊंगा, अगर मैंने तुम्हें वो बता दिया तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, वो मैं नहीं दूंगा। जो कुछ बंदे हैं वो तो गैस कर लेंगे कि वो क्या है, ठीक है। नहीं तो भाई इस मूवी को ना कई और नाम भी दिए जा सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और भाई इस पिक्चर में एक चीज़ अच्छी थी, इसमें ना हर एक बात के साथ मतलब कोई भी कमेंट पास कर रहा है ना उसके बाद एक वो एक रेफरेंस पास कर रहा है। रेफरेंस इन द सेंस, अब लगा लो जैसे मैंने आपसे कोई बात करी और मैंने उसके रेफरेंस में आपको कोई भी एक टैग दे दिया, जैसे कि MACD का, WhatsApp का, या किसी भी चीज़ का एक नाम ले दिया जो उससे रिलेटेबल हो, वैसे करके ना इसने बहुत सारे रेफरेंसेज यूज किए जो कि बढ़िया भी है। मतलब ये फन एलिमेंट इन्होंने ऐड किया है जो कि अभी तक बॉलीवुड किसी भी मूवी में नहीं था, जो इस पिक्चर में देख के अच्छा लगा। सबसे बेकार चीज़ क्या लगी भाई, कॉमेडी करवाने की ये कोशिश कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ से, जिससे हो भी नहीं रही और वो दिख भी रहा है और उस पर ही उसको ताने भी मार रहे हैं कि भाई तू PJ करता ही है वो, वैसे करके दिखाया हुआ है, ठीक है। ओवरऑल भाई पिक्चर ठीक ठाक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। तुम ये सोचो एक्शन के अलावा कुछ देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें सिर्फ इन दोनों का एक्शन देखना है तो ज़रूर जाओ देखने। और अगर तुम्हें ये लगता है ना कि गाने वाने अच्छे होंगे या उसके अलावा तुम्हारे को कॉमेडी वगैरह देखने को मिलेगी, कुछ सीन्स ऐसे होंगे जो देख कर मज़ा आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। प्योर और प्योर बिल्कुल एक्शन पर बेस्ड है, जाकर देखो। 5 में से मैं इसको देता हूँ 3.5। अब इस पर तुम्हें क्या लगता है वो तुम कमेंट करके बता सकते हो। बस जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।